YouTube कंटेंट क्रिएशन जब मैंने शुरू किया तो मैं अपने इस वाले लैपटॉप से एडिट करता था वंडरशॉट फिल्मोरा 9 के अंदर, जो काफी सही सॉफ्टवेयर था। मेरा जो काम है अच्छे से हो जाता था। इस चैनल के शुरू के लगभग 40 से 50 वीडियोस जो कि है फिल्मोरा के अंदर ही मैंने एडिट करे थे। और फिर मैंने पीसी लिया बेटर एडिटिंग के लिए और वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर को भी चेंज किया, पहले प्रीमियर प्रो, बाद में डाविंसी रिजॉल्व प्रोफेशनल एडिटिंग के लिए। अब सब कुछ सही चल रहा था अंटिल आई ट्राइड द लेटेस्ट AI पावर्ड फिल्मोरा 14, जिसको यूज करने के बाद मेरे को कुछ ऐसा लगा। एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ। आपने मेरे वीडियोस में या कोई अदर क्रिएटर्स के वीडियो में बॉडी के पीछे की तरफ ऐसे टेक्स्ट, फोटोज या कोई अदर एलिमेंट को आते हुए देखे होंगे। ये इफेक्ट दिखने में जितना इजी लगता है बनाना उतना इजी नहीं है। हाँ, अगर आप कैपकट एडिटर हो तो आपके लिए इजी ही होगा, पर एक इंडस्ट्री लेवल वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर में ये इफेक्ट देने के लिए आपको अपने सब्जेक्ट के कटआउट बनाना पड़ता है हर एक फ्रेम में मैनुअली एडजस्ट करते हुए, जिसमें घंटों लग जाते हैं। पर वही चीज फिल्मोरा 14 के अंदर AI की मदद से आप बस कुछ ही क्लिक्स में, कुछ ही सेकंड्स में कर सकते हो। यस, कुछ ही सेकंड्स में। चलो दिखाता हूँ कैसे। फिल्मोरा 14 के अंदर आकर आप कंट्रोल आई प्रेस करके सबसे पहले अपना जो वीडियो क्लिप है उसको इम्पोर्ट कर लीजिए और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए टाइमलाइन के ऊपर। अब इस वीडियो क्लिप को मैं थोड़ा सा ट्रिम कर लेता हूँ, एक छोटा सा ही पार्ट मेरे को चाहिए तो अनवांटेड पार्ट को मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये जो पार्ट है इसमें मेरा जो बॉडी है इसके पीछे की तरफ मेरे को एक टेक्स्ट चाहिए, तो उसके लिए मैं जाऊँगा टाइटल्स के अंदर और यहाँ से कोई सा भी एक टेक्स्ट को सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप कर दूंगा टाइमलाइन के ऊपर। इस लेयर को पूरा एक्सटेंड कर देता हूँ। अब इस टेक्स्ट के ऊपर आपको जो भी चेंजेस करना है आप कर लीजिए। टेक्स्ट को सिलेक्ट करके राइट साइड में आप अगर आएंगे तो यहाँ से आप टेक्स्ट को पूरी तरीके से अपने हिसाब से कस्टमाइज कर सकते हो। टेक्स्ट को मैं चेंज कर देता हूँ, इसके साइज को थोड़ा बड़ा करके मेरे हेड के पीछे इसको प्लेस कर देता हूँ। दैट्स इट। अब उसके बाद नीचे वाला जो वीडियो लेयर है आपका उसके ऊपर राइट क्लिक करके इसका एक डुप्लीकेट आपको बनाना है और इस डुप्लीकेट लेयर को टेक्स्ट लेयर के ऊपर आपको लेकर के चले जाना है। अब हमारे दो वीडियो लेयर के बीच में टेक्स्ट लेयर आ चुका है, तो ऊपर वाले वीडियो लेयर को अभी आपको सिलेक्ट करना है। तो राइट साइड में वीडियो के अंदर आपको AI टूल्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, जिसके अंदर AI पोर्ट्रेट कटआउट करके एक ऑप्शन आपको मिलेगा, उसको आपको इनेबल कर देना है। इसको आप जैसे ही इनेबल करेंगे ये थोड़ा सा प्रोसेसिंग करेगा और आपके वीडियो से आपका जो बॉडी है उसका एक कटआउट बना देगा। प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाने के बाद आप देख सकते हो जो टेक्स्ट है मेरे बॉडी के पीछे की तरफ एकदम परफेक्टली आ चुका है। अब इस टेक्स्ट के ऊपर कुछ भी कस्टमाइजेशन करना है वो मैं कर सकता हूँ। अगर इसको रिप्लेस करना है कोई अदर एलिमेंट से तो वो भी मैं इजीली कर सकता हूँ। अगर आपके वीडियो में कोई इंसान नहीं है, ऐसा कोई ऑब्जेक्ट है उसके पीछे की तरफ आपको टेक्स्ट या कोई एलिमेंट प्लेस करना है तो प्रोसेस सेम ही है। आपको वीडियो क्लिप को लेकर के आना है, टाइटल के अंदर जाकर उस वाले टेक्स्ट को लेकर के आना है जो आपको पीछे की तरफ चाहिए। अगेन उसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। इस बार मैं कस्टमाइज नहीं कर रहा हूँ, इसको जस्ट मैं प्लेसमेंट को चेंज कर रहा हूँ। अब उसके बाद अगेन आपका जो वीडियो लेयर है नीचे वाला उसका आपको एक डुप्लीकेट बनाना है एंड डुप्लीकेट बना करके उसको ऊपर लेकर के आ जाना है। अब इस बार आपको ऊपर वाले लेयर को सिलेक्ट करके AI टूल के अंदर जाकर नीचे ये जो स्मार्ट कटआउट का ऑप्शन मिलता है इसको इनेबल करना है और सिंपली क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करेंगे तो ये आपके सामने विंडो आएगा। इधर से आपको अपने ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करना है, तो मैं यहाँ से कैमरा बॉडी को और मेरे हैंड को सिलेक्ट कर देता हूँ। तो आप देख सकते हो इसने इसका बढ़िया सा एक कटआउट बना दिया है। इसको आपको ट्रैक करना है तो सिंपली ये जो क्लिक टू स्टार्ट स्मार्ट कटआउट है इसके ऊपर आपको क्लिक करना है तो ये पूरे वीडियो में आपके ऑब्जेक्ट को ट्रैक करेगा और उसका एक कटआउट आपको बना करके दे देगा। अब सिंपली मैं इसको सेव पर क्लिक करता हूं तो आप देख सकते हो मेरा जो टेक्स्ट है मेरे ऑब्जेक्ट के पीछे की तरफ आ चुका है एकदम परफेक्टली। और सिर्फ ये एक फीचर के लिए मैं फिल्मोरा का इतना तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे इंटरेस्टिंग फीचर है फिल्मोरा 14 के अंदर जिसको देख कर आपका माइंड ब्लो होने वाला है। तो चलो कुछ इंटरेस्टिंग फीचर्स आपको दिखाता हूँ। सब्जेक्ट ट्रैकिंग एक ऐसा इफेक्ट है जो अदर वीडियो एडिटर्स में आपको मैन्युअली फ्रेम बाय फ्रेम करना पड़ता है, पर वंडरशॉट फिल्मोरा 14 के अंदर आप AI की मदद से इजीली कर सकते हो। सबसे पहले मैं वीडियो क्लिप को टाइमलाइन के ऊपर लेकर के आ जाता हूँ। इस वीडियो क्लिप में मेरा जो फोन है इसको मैं ट्रैक करना चाहता हूँ और मैं चाहता हूँ ये वाला जो मार्वल का लोगो है ये मेरे फोन के साथ साथ मूव करे। तो पहले मैं वीडियो क्लिप को टाइमलाइन पर लेकर के आऊंगा और उसके ऊपर लेकर के आ जाऊंगा अपने लोगो को
और इसको मैं पूरे टाइमलाइन में एक्सटेंड कर देता हूँ। अब लोगों के साइज को मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ ताकि चीजें मुझे दिख जाए। अब उसके बाद मैं वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करूंगा, राइट साइड में वीडियो के अंदर AI टूल्स में जाऊंगा और यहाँ पर मेरे को एक ऑप्शन मिलता है मोशन ट्रैकिंग करके। इसको जैसे ही मैं इनेबल करता हूँ यहाँ पर ये बॉक्स आ जाता है। इसको मेरे को उस जगह पर प्लेस करना है जिस ऑब्जेक्ट को मैं ट्रैक करना चाहता हूँ। तो मैं अपने फोन को ट्रैक करना चाहता हूँ तो फोन में ये जो लोगो है इसके ऊपर मैं इसको प्लेस कर देता हूँ और सिंपली क्लिक टू स्टार्ट मोशन ट्रैकिंग के ऊपर क्लिक कर देता हूँ तो ये जो फिल्मोरा है मेरे ऑब्जेक्ट को ट्रैक करना स्टार्ट कर देता है। अब ट्रैकिंग कंप्लीट हो चुका है। अब मेरे को करना क्या है, वीडियो लेयर को सिलेक्ट करना है, अगेन मोशन ट्रैकिंग के अंदर आना है और यहाँ पर ऑप्शन मिलेगा लिंक एलिमेंट का, जो कि अभी तो नन है। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हो तो आपके सामने ऑप्शन आ जाता है, ये जो मार्वल का लोगो मैंने प्लेस करे थे वो यहाँ पर आ रहा है। अगर आपके टाइमलाइन के ऊपर कुछ भी होगा तो वो आपको यहाँ पर दिख जाएगा, उसको आप सिलेक्ट कर सकते हो या फिर आप डायरेक्टली अपने कंप्यूटर से भी कोई भी फाइल को इम्पोर्ट कर सकते हो। पर क्योंकि हमने लोगो यहाँ पर ऑलरेडी प्लेस करे हैं तो मैं यहाँ पर मार्वल लोगो को सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये अभी ट्रैकिंग में आ चुका है पर इसके पोजीशन को मेरे को थोड़ा सा एडजस्ट करना है तो इसको मैं थोड़ा सा छोटा करके फोन के ऊपर की तरफ रख देता हूँ। अब अगर मैं वीडियो क्लिप आपको प्ले करके दिखाऊं तो आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं अपने फोन को मूव कर रहा हूँ वैसे वैसे ये जो लोगो है मेरे फोन के साथ मूव कर रहा है। फिल्मोरा 14 का और एक शानदार फीचर है AI कलर पैलेट, जिसको इस्तेमाल करते हुए आप अपने किसी भी फेवरेट मूवी से या फिर किसी भी वीडियो से कलर्स को कॉपी करके अपने वीडियो के ऊपर पेस्ट कर सकते हो। सो उसके लिए आप अपने वीडियो क्लिप को सिलेक्ट करिए टाइमलाइन पर, फिर राइट साइड में आपको कलर्स करके एक ऑप्शन दिखाई देगा, उसके अंदर नीचे आपको AI कलर पैलेट का ऑप्शन दिखाई देगा, उसको आपको इनेबल करना है। तो यहाँ पर आप अपने टाइमलाइन से भी कलर्स को पिक कर सकते हो या फिर आप लोकल फाइल के अंदर जाकर अपने फेवरेट मूवी का या फिर वीडियो का एक स्क्रीनशॉट अपलोड कर दीजिए। सो यहाँ पर आप क्लिक करके अपने गैलरी से उस स्क्रीनशॉट को सिलेक्ट करके ओपन करिए। ये जोकर मूवी का एक स्क्रीनशॉट मैंने लेकर के रखा था, इसको मैंने यहाँ पर अपलोड किया। अब मैं सिंपली इस जनरेट के ऊपर क्लिक करूंगा तो ये जो सेम कलर टोन है मेरे वीडियो के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। नाउ ये डार्क टोन में वीडियो था, ये ब्राइट टोन में वीडियो है, बट जो कलर पैलेट है सेम तरीके से अप्लाई हो चुका है। आई नो ये एकदम परफेक्ट नहीं है बट एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है जहां से आप अपने वीडियो को उस सेम कलर टोन में कलर ग्रेड कर सकते हो। बाय द वे इस कलर टोन के स्ट्रेंथ को अगर आप कम ज्यादा करना चाहते हो वो आप कर सकते हो। आपका जो स्किन है उसके कलर टोन को अगर आप प्रोटेक्ट करना चाहते हो तो उसका भी ऑप्शन आपको यहाँ पर मिल जाते हैं, जिससे कि स्किन टोन आपका खराब नहीं होगा। सो ये एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट है आपके वीडियो को कलर ग्रेड करने के लिए। अगर आपको किसी भी मूवी का कलर टोन अपने वीडियो को पर चाहिए तो ये फीचर आप ट्राई कर सकते हो। वीडियो एडिटिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है साउंड डिजाइनिंग एंड म्यूजिक, और किसी भी वीडियो एडिटर के लिए सबसे फ्रस्ट्रेटिंग होता है वीडियो क्लिप के लिए सही साउंड इफेक्ट ढूंढकर उसको डाउनलोड करके वीडियो एडिटर के अंदर लेकर के आना। पर फिल्मोरा 14 के अंदर ये सब आपको करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि फिल्मोरा 14 में लेफ्ट साइड में ऑडियो के सेक्शन में ही आपको मिल जाता है साउंड इफेक्ट का सेक्शन, जहां पर फिल्मोरा की लाइब्रेरी से आप बहुत सारे साउंड इफेक्ट्स को यूज कर सकते हो। जो पॉपुलर एंड मोस्ट यूज्ड साउंड इफेक्ट्स है वो सभी आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, जिसको सिंपली आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपने टाइमलाइन पर लेकर के आएंगे और जो साउंड इफेक्ट है आपका आ जाएगा। आप यहाँ से सर्च करके कोई भी साउंड इफेक्ट ढूंढ सकते हो। बट इन केस अगर आपके वीडियो के लिए परफेक्ट साउंड इफेक्ट आपको नहीं मिल रहा है तो उसका भी सोल्यूशन है, यहाँ पर आपको मिल जाता है ऑप्शन AI साउंड इफेक्ट का, जिसके अंदर जाकर AI के मदद से आप साउंड इफेक्ट्स बना सकते हो। आपको यहाँ पर डेस्कटाइप के अंदर उस साउंड इफेक्ट को डेस्कटाइप करना है जैसा साउंड इफेक्ट आपको चाहिए। जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पर टाइपराइटर का साउंड इफेक्ट चाहिए तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ टाइपराइटर। फिर इसके सेटिंग से आप साउंड इफेक्ट के ड्यूरेशन को या फिर कितने साउंड इफेक्ट्स चाहिए आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो एंड सिंपली जनरेट के ऊपर क्लिक करेंगे तो कुछ ही सेकंड्स के अंदर आपको अपना कस्टमाइज्ड साउंड इफेक्ट मिल जाएगा, जिसको आप इधर से प्ले करके सुन सकते हो। अगर आपको सही लगे तो सिंपली इसको टाइमलाइन पर ड्रैग एंड ड्रॉप करके उसको अपने वीडियो क्लिप में आप यूज कर पाओगे। सेम विद द बैकग्राउंड म्यूजिक, आपको इसके म्यूजिक लाइब्रेरी में बहुत सारे म्यूजिक मिल जाते हैं पर इनको आप यूज नहीं करो तो बेटर है, क्योंकि कॉपीराइट का थोड़ा बहुत इशू रहता है। पर अगर आपको कंप्लीटली कॉपीराइट फ्री म्यूजिक चाहिए तो आप इसके AI म्यूजिक का इस्तेमाल कर सकती हो। इधर से आपको अलग अलग मूड, अलग अलग थीम या फिर अलग अलग जॉनरे का ऑप्शन मिल जाता है। आप सिंपली उनको सिलेक्ट करो एंड जनरेट के ऊपर क्लिक करो और इसका जो AI है आपके लिए म्यूजिक बना करके दे देगा, जो कि कंप्लीटली यूनिक होगा, आप उसको अपने वीडियो में यूज कर पाओगे।
और एक बहुत ही शानदार फीचर है फिल्मोरा 14 के अंदर जो मैंने आज तक किसी भी वीडियो एडिटर के अंदर नहीं दिखा, जो है इसके ऑडियो सेक्शन में टेक्स्ट टू स्पीच वाला ये फीचर। नाउ टेक्स्ट टू स्पीच का जो फीचर है बहुत सारे वेबसाइट्स पर आपको मिल जाएंगे, पर यहाँ पर ये एडवांस लेवल में है। कैसे मैं आपको बताता हूँ, आप सिंपली स्टार्ट के ऊपर क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर मेरे को अपना जो टेक्स्ट है वो लिखने का ऑप्शन आ जाता है, यानी कि स्क्रिप्ट लिखने का ऑप्शन आ जाता है। मैं जल्दी जल्दी थोड़ा कुछ लिख देता हूँ यहाँ पर। आप देखो टेक्स्ट आपने लिख दिए, यहाँ पर आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस है वॉइस मॉडल का, जो पॉपुलर वॉइस मॉडल्स है आप उनमें से ट्राई कर सकते हो। एंड बिलीव में ये बहुत ही शानदार वॉइस मॉडल्स है, एकदम नेचुरल साउंड करते हैं। सो यहाँ पर आपको अलग अलग ऑप्शंस भी मिलते हैं लैंग्वेज का, लाइक आप इंग्लिश में सिलेक्ट कर सकते हो या फिर जो इंडियन रीजनल लैंग्वेज है लाइक हिंदी, बंगाली, मराठी, तमिल, तेलुगु, वो भी आप ट्राई कर सकते हो, वो भी आपको यहाँ पर मिल जाते हैं। और सबसे इंटरेस्टिंग बात कि आप अपना खुद का जो वॉइस है उसका एक प्रीसेट बना सकते हो। मतलब ये जो प्लस बटन आपको दिख रहा है इस पर क्लिक करके आपको यहाँ पर कुछ टेक्स्ट दिया जाएगा, उनको आप पढ़ेंगे, इनके सर्वर में अपलोड करेंगे, फिर आपका जो वॉइस है उसका एक वॉइस मॉडल बन जाएगा और यहाँ पर स्क्रिप्ट देकर आप अपने वॉइस मॉडल से टेक्स्ट से स्पीच जनरेट कर सकते हो। मतलब आपको खुद को अपना वॉइस को रिकॉर्ड करने का जरूरत नहीं है, बस एक बार सॉफ्टवेयर को ट्रेन करके रख दो, फिर यहाँ पर अपना स्क्रिप्ट डालो और अपने वॉइस से ऑडियो बना लो। ये मैंने ऑलरेडी बना करके रखी है एंड बिलीव मी ये बहुत ज्यादा नेचुरल साउंड करता है। ये बस मैंने फिल्मोरा के कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स आप लोगों को बताई, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीजें हैं फिल्मोरा 14 के अंदर ट्राई करने के लिए। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिलेगा, उस लिंक से इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करो, ट्राई करो और मुझे कमेंट करके जरूर बताओ फिल्मोरा 14 आपको कैसा लगा।